Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Rigorous Mathematics. Today we will start the continuation of lecture series of topology. And if you haven't subscribed my channel as yet, please subscribe my channel, share it, like my videos, and also press the notification bell. Thank you. And also tell me in the comment section that which particular chapter you are interested in, so that it will give me some kind of an image that under what line of action I should move forward. Okay. मेरा problem क्या है आज का? Set of rationals is not discrete as a subspace of R. इससे पिछली वीडियो जो बनी है उसमें क्या साबित किया है? Z is discrete as a subspace of R. Q is obviously सबसेट ऑफ आर, तो आर के लिहाज से क्यू के ऊपर सबस्पेस टोपोलॉजी की बात की जा सकती है. आर की टोपोलॉजी ऑलवेज बताया कि जब तक आर के ऊपर टोपोलॉजी मेंशन ना हो, आप हमेशा कौन सी टोपोलॉजी लेते हो आर पे? यू ऑलवेज कंसिडर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर. अब देखते हैं कि क्या होता है. साबित क्या करना है कि R पर जो यूजुअल टोपोलॉजी मौजूद है, जब हम R के इस सबसेट Q की बात करते हैं, तो जो जो कुछ R में ओपन है उसकी इंटरसेक्शन हम Q से लेते हैं और एक कलेक्शन बनाएंगे और वो एक रिलेटिव टोपोलॉजी होगी. बिकॉज मैं रिलेटिव टोपोलॉजी की वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर मैं उसका प्रूफ भी दे चुका हूं. ठीक हो गया. तो साबित करना है कि वो जो Q के ऊपर टोपोलॉजी आएगी वो टोपोलॉजी डिस्क्रीट नहीं होगी, यानी क्यू का हर सबसेट जो है वो अंडर द रिलेटिव टोपोलॉजी ऑफ क्यू नीड नॉट टू बी ओपन. तो इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, देखें. क्योंकि जब डिस्क्रीट की बात होती है उसमें हर सबसेट ओपन होता है. सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट Q is discrete as a subspace of R. आपने क्या प्रूफ करना था कि Q is not discrete as a subspace of R. तो आप contradiction method से इसको प्रूफ करेंगे. contradiction method में क्या होता है कि जो चीज प्रूफ करनी है उसके opposite सपोज कर लिया जाता है और उसको फॉलो किया जाता है, प्रूफ को आगे चलाया जाता है, और कहीं जाकर कोई टेक्निकल मिस्टेक लॉजिकल वे में जब आती है तो आप कहते हो कि इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. बेसिकली इसके बैक एंड के ऊपर प्रोपोजिशनल कैलकुलस काम कर रही होती है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन काम कर रहा होता है. ओके. फिर आप एंड पे कहते हैं अवर सपोजिशन इज रॉन्ग सो द गिवन इज ट्रू. ओके. सपोज ऑन कॉन्ट्ररी दैट क्यू इज डिस्क्रीट एज ए सबस्पेस ऑफ आर, इट इंप्लाइज, व्हाट डज इट इंप्लाइज, एवरी सबसेट ऑफ क्यू is open in Q under the relative topology, under the relative topology on Q with respect to R. और R की topology कौन सी है, जब तक mention नहीं की जाएगी वो कौन सी रहेगी? usual topology. और usual topology में कैसे elements होते हैं? ओपन इंटरवल्स होते हैं या ओपन इंटरवल्स की यूनियंस होती हैं. ओके. नाउ तो प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं. तो अगर हर सबसेट क्यू का ओपन है इस सारे सिनेरियो के अंदर, देन तो अगर मैं कोई सिंगलटन सबसेट लेता हूं Q का, then for singleton Q containing in capital Q, तो फिर क्या होगा? अगर ये subset लिया जा रहा है और ये बताया जा चुका है कि हर subset जो है Q का वो Q के अंदर open है, तो definitely इसको भी open होना चाहिए. और अगर ये open होगा तो फिर ये relative topology के लिहाज से openness की condition को satisfy करेगा. Then for singleton Q containing in capital Q, there must exist some
ओपन सेट ओ इन कैपिटल आर सच दैट ओ इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू सिंगलटन क्यू। ठीक हो गया, यानी कि रिलेटिव टोपोलॉजी में जो ओपन होता है वहां पर क्या होता है, फिर उसके लिए मेन टोपोलॉजी में कोई ऐसा ओपन सेट मौजूद हो कि जब उसकी इंटरसेक्शन आप क्यू के साथ लें तो आपको क्या मिले, सिंगलटन क्यू मिले। ये रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं क्या एज क्यू, क्योंकि ओ और क्यू का इंटरसेक्टिंग पोर्शन जो है वो सिंगलटन क्यू है, इसका मतलब है क्यू जो है वो ओ में मौजूद है, और हमें साथ के साथ ये भी पता है कि ओ जो है वो आर के अंदर ओपन है। ठीक हो गया, तो आर के अंदर जो ओपन सेट होते हैं वो किसी एक खास कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। बिकॉज इसके लिए मेरा लेक्चर 2 यूजुअल टोपोलॉजी को जरूर देखिएगा, बिकॉज वहां पर मैंने बताया है कि आर के अंदर ओपन होने का क्राइटेरिया क्या है। ठीक, एज क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल ओ एंड ओ इज ओपन इन आर, सो तो फिर आर में ओपन होने की जो शर्त है वो ओ पूरी करेगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट इन आर वी मस्ट हैव, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट इन आर वी मस्ट हैव some open interval, we must have some open interval a b such that q belongs to the open interval a b and it is containing in o। usual topology में open होने का criteria क्या है कि हर वो set, जब कोई set open होता है तो उसका कोई भी point लिया जाए तो उस point के को इंक्लोज करने वाला एक ओपन इंटरवल मौजूद होता है, सच दैट के वो ओपन इंटरवल वापस उस ओपन सेट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि क्यू जो है वो ओपन सेट का मेंबर है, और ओपन सेट इन आर क्या कहता है कि उसके हर मेंबर के अबाउट एक ओपन इंटरवल ऐसा मौजूद होगा कि वो ओपन इंटरवल वापस उस ओपन सेट में कंटेन करेगा। तो जस्ट मैंने डेफिनेशन को अप्लाई किया। नाउ अब क्यू अगर इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली क्यू इज लेस देन बी। ठीक है, बिकॉज बी तो इंक्लूड है नहीं इस इंटरवल के अंदर। अच्छा, अब हम रियल एनालिसिस का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस बोथ क्यू एंड बी आर रियल, क्यू और बी दोनों जो है वो रियल हैं, तो फिर यहां से क्या रिजल्ट आएगा अगर ये रियल है तो? आपको अच्छे से पता है कि जब भी दो रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान में एक रैशनल नंबर लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड रैशनल डेंसिटी थ्योरम। बाय रैशनल डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स रैशनल क्यू डैश सच दैट, रैशनल डेंसिटी थ्योरम के मुताबिक एक रैशनल क्यू डैश ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि क्यू और बी के दरमियान में होगा। ठीक हो गया, यानी कि क्यू और बी दोनों रियल थे तो उनके दरमियान में एक रैशनल आ गया बाय रैशनल डेंसिटी थ्योरम। ठीक हो गया, अच्छा अब हम देखते हैं कि ऑब्वियसली Q डैश एक रैशनल है तो ये बिलोंग करेगा कैपिटल Q से, कुछ रिजल्ट हमें निकालना है। एंड सिंस अब आप अच्छे से जानते हैं कि Q अगर इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो ये A जो है दिस मस्ट बी लेस देन Q, एंड A एंड सिंस A इज लेस देन Q व्हाट डज इट इंप्लाइज, सिंस A इज लेस देन Q एंड Q इज लेस देन Q डैश तो वी हैव A इज लेस देन क्यू डैश। ऑल्सो अगर आप देखें तो क्यू डैश इज लेस देन बी, तो यहां से स्टेट दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखें तो क्या बनेगा, ए इज लेस देन क्यू डैश एंड क्यू डैश इज लेस देन बी।
it implies A is less than Q dash and Q dash is less than B. What does it imply? It implies Q dash, अगर वो A से less है और B से, A से greater है और B से less है, तो इसका मतलब वो A B interval का हिस्सा है. अब ये A B interval जो है, ये contain करता था capital O में. Q dash element है open interval A B का और A B contain करता है O में. इसका मतलब तो ये हुआ कि Q dash element हो गया capital O का. अब आप देखें Q dash capital Q में भी है और Q dash O में भी है. So Q dash belongs to O intersection Q. जबकि आप देख चुके हैं कि O intersection Q तो singleton Q के बराबर था. And और हम जानते हैं कि Q और Q dash different है, which is a contradiction because O intersection Q was equals to Q. मगर हमने जब gradually process आगे बढ़ाया तो O intersection Q is Q dash, which is a contradiction. So our supposition is wrong, hence Q is not discrete. Q जो है वो discrete नहीं है बतौर subspace of R, क्योंकि जब ये बात मानी जाती है तो एक contradiction आती है. Again this question has not been is not been solved by any Pakistani author of topology. ये डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब की बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.